चलो आप सबको आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे बहुत बहुत बधाई। आज हम लोग का विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर, मेरा नाम तारा है, मैं पहल शाखा की एक मेंबर हूँ। ये खरीद के लिए आते हैं, कुछ पैसा लगता है, मजा आता है, बट गर्मी है। नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे पहल शाखा सोच पुरानी शुरुआत नई के तहत मोनिका जी, चेयरपर्सन स्नेहा सिंह और तमाम पदाधिकारीगण, आज आइए देखते हैं क्या इनिशिएटिव लिए हैं। आइए इस पे देखें एक रिपोर्ट। शहर से दूर कुदरत के बीच छुट्टियों के कुछ दिन बिताना है तो आयुष जंगल रिसोर्ट आपका स्वागत करता है। डुआर्स के खूबसूरतियों के बीच चारों ओर घने जंगलों से घिरा मूर्ति नदी के किनारे, यहाँ एसी नॉन एसी डिलक्स रूम के साथ साथ आनंद लीजिए स्वादिष्ट और हाइजीनिक खाने का। हमारे यहाँ जंगल सफारी के सुव्यवस्था के साथ साथ पिक एंड ड्रॉप सेवा भी उपलब्ध है। आज ही आए छुट्टियों के कुछ दिन बिताने आयुष जंगल रिसोर्ट गोरुमारा बंगलो के नजदीक निया मूर्ति नदी लाटागुड़ी। चलो आप सबको आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे बहुत बहुत बधाई। जैसा कि हम सारे जानते हैं कि पेड़ पौधे, फ्लोरा एंड फौना, जो हमारा इंडिया का बोलिए या पूरे वर्ल्ड का बोलिए, इसकी वैल्यू को धीरे धीरे हम सब थोड़ा भूलते जा रहे हैं। और हमको ये समझना है कि ये जो पेड़ पौधे नहीं है, हमारे लंग्स हैं जो बाहर भगवान ने हमको दिए हैं, और हमारा फ़र्ज बनता है कि हम इसको, इसकी वैल्यू को समझें और इस हरियाली को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि आने वाली जनरेशन्स के लिए हम कुछ ना कुछ छोड़ के जाएं। प्लास्टिक का यूज़ एनवायरनमेंट डे पे थोड़ा हमको याद दिलाता है कि इसको थोड़ा कम करना चाहिए, एंड जितना हो सके उतना हरियाली पेड़ पौधों को लगाने का हम सबको एम बनाना चाहिए। मैं एनजीओ पहल को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि सब लेडी नारी शक्ति इस काम को कर रही है, और इन्होंने आज हमारे यहां पे 532 एसएसटीसी में भी कम से कम आई थिंक 200 से ज़्यादा पौधे दिए हैं, जिसका कि हम ध्यान रखेंगे। और मैं आशा करता हूं कि हम सारे इस एनवायरनमेंट डे पे थोड़ा सा अपना इस तरफ ध्यान दें कि इस ड्राइव को हम आगे से आगे लेके जाएं, ताकि हमारी जनरेशंस और हमारी धरती, हमारे परिवार एक अच्छी खुली हवा में, साफ सुथरी हवा में सांस ले सके। थैंक यू वेरी मच। विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आज सारा जहां मना रहा है। आप सभी जानते हैं, जैसे कि देवाधिदेव महादेव समुद्र मंथन के उपरांत काल केतु विष को अपने गले में धारण करके नीलकंठ बन गए, उसी तरह वृक्ष भी हमारे लिए देवाधिदेव महादेव बाबा भोलेनाथ के तरह है। मैं कहना क्या चाहता हूँ स्पष्ट है, हमारे अंदर से जो नकारात्मक वायु है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसे वृक्ष निस्वार्थ भाव से ग्रहण करती है और बदले में हमें ऑक्सीजन प्रदान करती है, जो कि प्राणवायु, और उसी के बल पे समस्त ब्रह्मांड में चराचर जीव जंतु आज जीवित है। ऐसे दिवस का पालन करना अपने आप में सौभाग्यशाली है, और जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। इसी बीच आपको बता दें, एक संस्था पहल शाखा सोच पुरानी शुरुआत नई के द्वारा भी यह पहल की गई है और वृक्ष लगाने का वीरा उठाया गया है, जिसके संस्थापक मोनिका जी, प्रोजेक्ट चेयरपर्सन स्नेहा सिंह और तारापुरी अपने दल बल के साथ में डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर ऑफ द रेंज ऑफिसर सारूगाड़ा रेंज बैकुंठपुर डिवीजन से 201 पेड़ का योगदान प्राप्त करके हेडक्वार्टर 532-532 SS ST ग्रीफ में 201 पेड़ लगाए गए। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में इस स्थान को चुनने के पीछे मकसद यही था कि इस पेड़ लगाने के उपरांत इसकी देखभाल हो सके और इसे जीवंत रखा जा सके। ऐसे में हमारे देश के असली हीरो, वीर सैनिक से बढ़ के और कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे लोग इस पे देख रेख नहीं करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन आर्मी के जवान की बात ही निराली होती है। जहां उपस्थित थे OC लेफ्टिनेंट कर्नल NC अबरोल, असिस्टेंट ADM ऑफिसर सेकंड इन कमांड के संग मिस्टर अर्धेंदु शेखर उपस्थित थे। आइए देखें एक रिपोर्ट और चीज़ों को समझे विस्तार से, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पेड़ को लगाएं, अपने सच्चे साथी का देख रेख कर।
सर, आज हम लोग का विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर आज हम लोग का ये फर्स्ट टाइम है कि हमने 201 पेड़ लगाने का आज बेड़ा उठाया था एंड प्लेस के लिए हमने काफ़ी भागदौड़ की। पहले हम सोच रहे थे सड़क पे लगाएं, बाईपास के किनारे पे लगाएं, लेकिन बहुत सारा प्लेस परमिशन नहीं मिल रहा था हमें। फिर यहाँ पे सर से हमने बात किया तो रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली हिलकार रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले। हमने बात किया तो सर ने कहा बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा काम है समाज में। वैसे भी सिलीगुड़ी में इतना गर्मी है, टेम्परेचर सब जान रहे हैं कि 40 क्रॉस कर रहे हैं, तो पेड़ लगाने का ये बेड़ा हमारा फर्स्ट टाइम का है और अभी हमने 201 पेड़ यहाँ पे लगा दिए हैं। कैंप का नाम आपका है हेडक्वार्टर 532 SS, जो कि गेट बाजार एंड 3 बत्ती मोड का जो बीच में है, ये यहाँ पे है। एंड यहाँ पे काफ़ी बड़े एरिया में स्पेस है लगाने के लिए एंड काफ़ी इन्वायरमेंट भी यहाँ का बहुत क्लीन है। एंड पेड़ तो ऐसा है कि अपने लोग सब जानते हैं कि एक पेड़ आपका एक AC के बराबर काम करता है, और ऐसा भी नहीं कि कोई बिल पेमेंट करना है या कुछ और करना है, फ्री में आप सालों साल तक इसका यूज़ कीजिए। तो पेड़ लगाना मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा है समाज में। पेड़ जितने कट रहे हैं, क्योंकि सिलीगुड़ी में जितना ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसी के कारण क्या होता है कि बहुत सारे पेड़ कटते हैं। हम ये जितने भी पेड़ हमारे यहाँ पे हम लगा रहे हैं, सारा हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लिया था। सालूगाड़ा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है बैकेंड में, वहां से लिया था। तो उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दिया था कि लाइक 3000 से ऊपर पेड़ सिटी सेंटर के एरिया से लेकर यहाँ तक कट चुके हैं। तो इसकी वजह से गर्मी का तापमान तो सब देख रहे हैं कि कितना ज्यादा बढ़ रहा है। ओजोन लेयर वैसे भी कम है। मेरा नाम मोनिका शर्मा है, पहल शाखा सोच पुरानी शुरुआत नहीं। मेरा नाम तारा है, मैं पहल शाखा की एक मेंबर हूँ। ये हमारी एक छोटी सी पहल है कि पर्यावरण को, क्योंकि हमें पता है कि पूरे वर्ल्ड में मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट का कितना बड़ा ये प्रॉब्लम चल रहा है, सारे देश इस पे काम कर रहे हैं। तो अगर सारे देश करने से नहीं होगा, हम हर एक मेंबर को, जैसे एक बूंद से सागर बनती है, वैसे हम हर किसी को ये इनिशिएटिव लेके, सिर्फ आज के दिन नहीं, ये हमारा मोटिव ये था कि लगा के चले जाना हमारा मोटिव नहीं था। हम चाहते थे कि इसे मतलब पूरे अच्छी तरीके से केयर कर सके, इसलिए हम लोगों ने इस कैंप को चुना कि यहाँ पे टेक केयर होगा, हम भी आके बीच बीच में देखेंगे। और मेरा सभी से गुजारिश है कि जो भी जहाँ भी है, जिनके पास थोड़ी भी अगर ज़मीन है, तो अपने अपने घर पे पर्यावरण को बचाने के लिए एक एक पेड़ ज़रूर लगाएं, क्योंकि एक पेड़ जितना ऑक्सीजन देता है, अगर सभी लगाएंगे तो 140 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन अपने देश का है, तो अगर सब एक एक पेड़ लगाएं तो 140 करोड़ पेड़ हम लोग आज के दिन में प्लांट कर सकते हैं। तो यही मेरा मैसेज है सभी को कि आज के दिन शाम तक भी हो सके तो अपने घर पे एक प्लांट जरूर आप लोग प्लांटेशन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं कहना चाहती हूँ कि सरकार कितना करेगा, हम लोग को भी जागरूक होना पड़ेगा। AC तो खरीद के लिए आते हैं, कुछ पैसा लगता है, मजा आता है, बट गर्मी है, इतना टेम्परेचर है। सिलीगुड़ी इस तरह से नहीं था, हमारा बंगाल कुछ साल पहले सुबह धूप देखते थे तो शाम में जरूर बारिश देखते थे, बट आज के दिन तरह का है नहीं। इसलिए आप लोग अपने अपने घर पे एक पौधा ऐसा लगाइए कि वो जो बड़े हो, आप लोग बूढ़े हो, वो बड़े हो, बस मेरा यही दुआ।